नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जिन्हें भारत के साथ साथ ब्रिटिश सरकार भी अच्छे से जानता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाला लाजपत राय का, जिन्हें लाल पाल पाल में लाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को पंजाब के प्रांत में हुआ था, अतः हम कह सकते हैं कि आज उनका जन्म दिवस भी है। इस जन्म दिवस के मौके पर उस महान क्रांतिकारी को नमन करना भारतवर्ष के लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनके अथक प्रयासों तथा उनके साथ बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, न जाने कितने अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपना सहयोग दिया होगा, जिनके अथक प्रयास के फलस्वरूप आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः ये स्वतंत्रता आज लाल बाल पाल का नमन करता है। ऐसे महान क्रांतिकारी जिनके त्याग ने, जिनके बलिदान ने आज हमें यह मौका दिया, जिसके आधार पर आज हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार को कहीं व्यक्त कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब प्रांत में हुआ था तथा उनकी माता का नाम गुलाब देवी है एवं पिता का नाम राधा कृष्ण है, जो एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। लाला लाजपत राय के दृढ़ विश्वास एवं दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें पंजाब में पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है तथा पूरे भारत देश में उन्हें पंजाब केसरी के नाम से सम्मानित किया जाता है। लाला लाजपत राय व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, जिन्हें लेखन के क्षेत्र में अभिरुचि अधिकतम थी। अपने लेखनीय अभिरुचि के साथ साथ उन्होंने कई नामचीन पुस्तकों का निर्वासन किया है, जिनमें आर्य समाज, यंग इंडिया तथा अनहैप्पी इंडिया मुख्यतः है। लेखन के माध्यम से धर्म और भारतीय नीति में सुधार का अक्सर प्रयास किया करते थे। अपने लेखन के रुचि से वे लोगों को हमेशा ज्ञान की गंगा से सिंचित किया करते थे तथा समाज को एक नई दिशा, एक नई राह, एक नया दृढ़ संकल्प दिखाने का अथक प्रयास किया करते थे। लाला लाजपत राय शुरुआती दौर में पंजाब नेशनल बैंक तथा लक्ष्मी बीमा कंपनी में कार्यरत थे, परंतु कानून के अध्ययन करते समय वह इस विचार में दृढ़ विश्वास रखते थे कि हिंदू धर्म राष्ट्रीयता से ऊपर है, जिस पर एक भारतीय जीवन शैली आधारित होनी चाहिए। उनका मानना था कि हिंदू धर्म ने मानवता के लिए शांति की प्रथाओं का नेतृत्व किया, जिसे राष्ट्रवादी विचारों से जोड़कर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का गठन कर सकते हैं। लाला लाजपत राय ना जाने कितने आंदोलन में भाग लिए तथा उनके अथक प्रयासों के आधार पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन में भारत की विजय रही है, जिसमें से मुख्यतः साइमन कमीशन गो बैक अथवा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा मुख्यतः था। सन 1928 ईस्वी को सर जॉन साइमन कमीशन ने एक अधिनियम लाया था, जिसमें भारत की तरफ से नेतृत्व के रूप में किसी भी लोगों को
सदस्यता के लिए मान्य नहीं रखा गया था। अतः उस अधिनियम का विरोध के लिए लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। जब 30 अक्टूबर 1928 को सर जॉन साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार के आदेश के आधार पर भारत पहुंचा, तब लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए उसे काले झंडे दिखाकर स्वागत किया था, जिसके प्रभाव में पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश दिया और व्यक्तिगत रूप से लाला लाजपत राय के साथ मारपीट की, जिससे वह अत्यंत घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए अपने आखिरी शब्दों में कुछ कहा। और अपने आखिरी शब्दों में उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर प्रहार किया गया, यह ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील होंगे। चूंकि उस व्यक्तिगत मारपीट में लाला लाजपत राय इतने बुरी तरीके से घायल हो गए थे कि उस दुख से वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। अतः आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और आप भारतवासियों से अनुरोध करते हैं कि आप भी लाला लाजपत राय तथा अन्य उन महान क्रांतिकारियों का सत सत नमन करें, जिनके त्याग एवं बलिदान के आधार पर आज हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। लाला लाजपत राय की जय। भारत माता की जय।